हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस वोल्टेज करंट। आपका जो कैलकुलेट हम जो करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स आज हम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉन्ग सोलेनोइड विद 15 टर्न पर सेंटीमीटर हैज स्मॉल लूप ऑफ एरिया प्लेस इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। इफ द करंट कैरी बाय द सोलेनोइड चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज हमें इस लूप में निकालनी है जब इसमें हम करंट चेंज करते हैं इस लूप का। ठीक है, तो गिवन टर्म्स क्या है पहले वो लिखो। लॉन्ग सोलेनोइड विद 15 टर्न पर सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ ये आपको क्या दे रखा है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका एन हो गया। यहाँ पर एन जो है ना, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ। तो ये आपको किसके बराबर है, 15 टर्न पर सेंटीमीटर। तो इसको हमें ऐसा सिस्टम लेके चलते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा। तो इसमें आपका लिखोगे इसको 1500 टर्न पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न क्या आएगा 1500 टर्न पर सेंटीमीटर, ये पर मीटर हो गया। हमने इसको सेंटीमीटर था मीटर में कर दिया, सेंटीमीटर नीचे है तो सेंटीमीटर को मीटर करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो सीधा ही ऊपर आएगा, तो 1500 हो जाएगा। स्मॉल लूप ऑफ एरिया, एरिया आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कर दिया मैंने, 10^-4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, नॉर्मली है इसका मतलब एंगल आपको 0 होगा बी और ए के अंदर। इफ द करंट कैरी बाय द सोलेनोइड चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, तो करंट पहले तो आपको इसमें दिया हुआ है 2 एम्पियर और बाद में करंट इसमें दिया हुआ है आपका 4 एम्पियर और ये करंट चेंज हो रहा है। तो इसको आप डी आई निकाल रहे हो यहाँ से, इसका डी आई क्या होगा, डी आई होगा I2 - I1 किसके इक्वल आएगा, 4 - 2, तो 2 एम्पियर तो आपका डी आई आ गया। करंट चेंज कितने टाइम में हो रहा है, 0.1 सेकेंड, तो डीटी है इसका मतलब, डीटी जो है वो है आपका 0.1 सेकेंड। व्हाट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज ईएमएफ हमें इसमें निकालना है व्हाइल करंट इज चेंजिंग। ठीक है, ये हम इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नंबर गिवन टर्म्स मैंने इसमें नोट की है। ठीक है, तो हमें इसमें E निकालना है और फैराडे साइकिल से हम जानते हैं E इज इक्वल टू आपका होता है माइनस और d5/dt। हम इसको मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं, नेगेटिव साइन आप यूज कर सकते हो, नेगेटिव साइन इंडिकेट यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो इंड्यूस EMF जो है हमेशा अपोज करता है किसका, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं उसका हमेशा अपोज करता है। तो E आपका यहाँ से आ गया d5/dt। अब आपको d5 नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो phi इज इक्वल टू, एक बात हम जानते हैं phi इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, फ्लक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, ये हो गया आपका d/dt और phi इज इक्वल टू आप जानते ही हो बी डॉट ए आपका होता ही, फ्लक्स तो यही होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनोइड हम ये जानते हैं, जैसे इसको हम ए को इधर लिख दिया, ए इज इक्वल टू आपको जाएगा एरिया इधर लिख दिया और d/dt वो बी रह गया ना यहाँ पर बी, और इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड व्हेन करंट इज पासिंग देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन आई, ये मैंने बताया था ध्यान होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यही तो रिलेशन आता है इसका। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू
ए म्यू नोट को लिख दिया इसके बाहर हमने, और एन को इधर लिख दिया, अंदर रह गया क्या इसके अंदर, डी आई बाई डी टी, ठीक है। इनको हमने इस प्रकार के फॉर्मूलेस को हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ टर्म दे रखी, देखो एरिया आपको दिया हुआ है, म्यू नोट आप जानते हो, एन दे रखा है, डी आई दे रखा है और डी टी दे रखा है, ठीक है। तो एरिया यहाँ पुट करोगे आप, ये आएगा 2 इंटू एन रेस्ट टू पावर माइनस 4, और म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई एन रेस्ट टू पावर माइनस 7, और एन नंबर ऑफ टर्न पर नोट लेंथ दे रखा 1500, और डी आई निकाला था मैंने 2, और डी टी आपको दिया होगा कितना 0.1, तो 0.1 इसको 10 कर दिया ऊपर मैंने, ठीक है। तो यहां पर ये माइनस 4 माइनस का 11 माइनस 11 हो गए ना, और ये 3 ही हो गया, ठीक है। तो ये आपका आएगा 15 into 20, 30। इसको आप सोल्व कर लोगे, मैं इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर जो आएगा ना वो लिख रहा हूँ लास्ट में, जो आएगा वो 7.5, ये लगभग आपका आएगा इसको सोल्व करने के बाद ऑन सोल्विंग 7.5 into 10 to power minus 6 वोल्ट EMF है, इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ से, इसकी वोल्ट होगी। इसको सोल्व करने के बाद आपको ये आंसर इसके अंदर आएगा, एक बार इसको दोबारा देख लो, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ एन यहाँ पे था 15 टर्न पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओनली 15 टर्न दे रखा होता तो ये एन होता, और यहाँ पे टर्न पर सेंटीमीटर कह रहा है, इसका नंबर ऑफ एन है ये, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ हो गया, एरिया दे रखा है, करंट आपको दिया हुआ है, तो हमने डी आई निकाल लिया और डी टी निकाल लिया, इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला डी फाइव बाई डी टी। अब फाइव फ्लक्स नहीं दे रखा, फ्लक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं बी डॉट ए, और ए को लिख दिया मैंने इधर, और बी जो होता है इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड उसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन को इधर लिख दिया, डी आई बाई डी टी, ये सब टर्म्स आपको दिए मैंने, इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर आप इसमें कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने में ज्यादा बड़े टाइम लगता है, बाकी सॉल्यूशन तो इतना ज्यादा बड़ा है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ आपको, नोट कर रहा हूँ नंबर, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with speed 5 meter per second at right angle to the horizontal component
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 30 10 टू पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू? फर्स्ट पार्ट इसका अलग अलग पार्ट्स में व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF? वैल्यू ऑफ EMF इन वायर, ठीक है। सेकंड इसमें दिया व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ EMF? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF डायरेक्शन? पूछे करंट डायरेक्शन पूछे, बात एक ही है। सेकंड इसमें दिया हुआ है विच एंड ऑफ वायर, थर्ड इसमें दिया हुआ है विच एंड ऑफ वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टर्म्स पहले पुट करो क्या कह रहा है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर आपको दिया हुआ है, उसके अंदर जो उसकी लेंथ जो दे रखी है ना, उस वायर की आपको लेंथ जो दे रखी है वो आपको अभी हम इसमें बता रहे हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग है आपका एल दे लेंथ दे रखी है इस वायर की 10 सेंटीमीटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक्सटेंड कैसे हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये ऐसे दिखा दो आपको, ये वेस्ट होता है ईस्ट होता है, पता ही है तो आपको, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये एक्सटेंड आपका ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपका एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद स्पीड, स्पीड दे रखी है, दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है 0.30 10^-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF? EMF जो है पहला पार्ट इसका है, ए पार्ट जो है वो हमें निकालना है। क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इन द वायर, इंड्यूस EMF निकालना है। और बीएल भी आपको दिया हुआ है, तो एक रिलेशन हमने करवाया था, कोई भी एक स्मॉल पोर्शन जो है लूप का मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस रूप का एरिया का चेंज करते हैं तो उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है। तो इसका रिलेशन करवाया था मैंने, E इक्वल टू BLV, सीधा ही पुट कर दो आप इसके अंदर। E इक्वल टू क्या होगा, ये आपका है E इक्वल BLV आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्म्स गिवन है, B आपको दिया हुआ है 0.30 10^-4 एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर में है, बाय 100 कर दोगे इसके, और वी दे रखा 5,
इसके भी अपन 0.30 इसका अंडर डाल दिया जाएगा, एंड ये जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 5 × 3 15 हो जाएगा, 15 × 10⁻⁶ माइनस 5 कर दिए, एक और यहाँ एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, और ईएमएफ की नेट क्या हो गया आपकी वोल्ट। ये क्वेश्चन का इसका पहला पार्ट है, इज इक्वल टू आएगा 1.5 × 10⁻³ थ्री आ रहा है इसका, 0.30⁻⁴ हो गए क्यों, और बी एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मीटर में हमने इसको कर दी कन्वर्ट, और वी दे रखा है, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर जाएगा आपका 5 × 15, और इसको ऊपर लेके -6 हो जाएगा, नहीं यही आएगा इसका, इसको सोल्व करोगे यही आएगा, ठीक है। 5 × 3 हो गया 15, और इसको ऊपर लेके -6 एक पॉइंट को लगा दी, तो ये सही यही आएगा। अब सेकंड पार्ट में इसमें कह रहा है, सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है वो देखो, इसमें कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ की डायरेक्शन आपका किधर होगी, एक बात हम जानते हैं कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा जो करंट हम फ्लो करते हैं उससे अपोजिट होती है। इसमें क्या कह रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिस लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद स्पीड दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस केस में डायरेक्शन जो होगी आपकी किस कौन से रूल से होगी, वो फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल से आपकी होगी, तो वो उसके अपोजिट हो जाएगी। आपको करंट आपका इससे वेस्ट की तरफ फ्लो करेगा, तो डायरेक्शन कैसे होगी आपकी, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी। तो आप इसमें ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेंज ला कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज ला द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा होगा इससे, जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट वेस्ट टू ईस्ट में आएगा, ठीक है। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, विच एंड ऑफ द वायर इज एट अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हायर किस एंड के ऊपर पोटेंशियल जो है आपका हायर होगा, तो जिधर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टार्ट हो रहा है फ्लो करना वह मैक्सिमम से होगा, और चार्ज मैक्सिमम होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वेस्ट एंड के ऊपर ही होगा, वेस्ट के ऊपर ही होगा, ठीक है। वेस्ट जो है उसी के ऊपर जो है, वेस्ट एंड के ऊपर जो है पोटेंशियल क्या होगा आपका, हायर पोटेंशियल माफ कर आपका होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म्स आपको दे रखी थी E इज इक्वल टू BL भी हो जाएगा, लॉन्ग एक्सटेंडिंग वायर ईस्ट टू वेस्ट था तो उसका अपोजिट आपका करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिया हुआ है, करंट इन ए सर्किट falls from (5A to 0A) in 0.1 second.
measurement of view and estimate given estimate of self inductance of the circuit. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो करंट जो है इन इस सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 टू 0 एम्पियर, इसका मतलब I1 जो है इनिशियल करंट क्या था आपका 5 एम्पियर, बाद में करंट आपको कितना दिया हुआ है 0 एम्पियर। करंट ये फॉल जो हो रहा है तो इसका ना DI जो होगा वो आपको चेंज ऑफ करंट कितना होगा 0 माइनस 5 माइनस 5 एम्पियर करंट आपका चेंज हो रहा है इसका मतलब। और ये करंट चेंज हो रहा है कम हो रहा है 0.1 सेकंड में हो रहा है, इसका डीटी है, डीटी दे रखा है आपको 0.1 सेकंड। इफ एन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ 200 वोल्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालना है इसका मतलब, क्यों हमें एल इस केस में निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू आप जानते हो माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी, और एल दे रखा और आई दिया हुआ है, तो इसको हम जानते हैं फाइव इक्वल टू क्या होता है एल आई की इक्वल होता है, होता है नहीं, क्योंकि ई दिया हुआ है और फाइव इक्वल टू एल आई कर दो आप, इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी एल आई, क्यों देन ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल, एल को इधर लिख दिया मैंने, डी आई बाय डी टी हो गई। यहां से जो है आपका एल अब आपका आ जाएगा, एल जो होगा यहां से किसके बराबर आएगा ई वाई ई तो आएगा एल इज इक्वल टू ई बाई डी ए बाई डी, नेगेटिव में आएगा एल इज इक्वल टू ई इधर का 200 और डी आई कितना था आपका निकाली माइनस 5 था प्लस पॉजिटिव हो जाएगा इंटू डी टी, डी टी कितना है डी टी जो है डी ए बाई डी टी आएगा डी आई बाई डी टी तो 0.1 ऊपर आ जाएगा आपका, ये मानो कह सकते 1/10 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा 54 आ जाएगा एल, इसका मतलब 4 हेनरी आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा 4 हेनरी के बराबर आपके इस केस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपको आई और आई टू दे रखा था, मैंने डी आई निकाल लिया पहले, डी टी आपको दे रखा है, ई दे रखा है, एल निकालना था, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाई इज इक्वल टू एल आई भी होता है, एल आपको निकालना था, इससे सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस
ऑफ 1.5 हेनरी इफ द करंट इन वन कॉइल इफ द करंट इन करंट इन वन कॉइल चेंजेस चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड What is the change in flux? What is the change in flux? Change in flux in other coil. Equation आपको दिया हो. ठीक है. आपको इस केस में आपको दिया हुआ है ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दिया हुआ है. एम दे रखे 1.5 हेनरी. इफ द करंट कैरीड इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर इसका इनिशियल करंट आपका है 0 एम्पियर और I2 जो है वो कितना है आपका 20 एम्पियर. इसका मतलब DI जो होगा इसके बराबर आएगा. DI क्या होगा I2 माइनस I1 तो 20 एम्पियर आपका DI आपका गया. ठीक है. इन 0.5 सेकंड ये करंट जो चेंज हो रहा है उसका टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड. व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इसका मतलब हमें दूसरा कॉइल जो है उसमें कितना फ्लक्स आपको उसका चेंज हो रहा है हमें डी फाइव इस केस में निकालना है. व्हाट इज द चेंज इन द फ्लक्स इन अदर कॉइल. ठीक है. इसके लिए हम जानते हैं E M दिया होगा तो E is equal to हम जानते हैं क्या होता है माइनस d phi by dt होता है नहीं और phi is equal to आप M I आपका होता ही phi is equal to क्या होता है M I इसको पुट कर दो यहाँ E is equal to ये हो जाएगा भाई आपको यहाँ पर डी फाइव तो आपको क्या करना है डी फाइव तो हमें इसमें कैलकुलेट इसमें हमें करना है. अच्छा भाई दो चीज कर लेते हैं एक तो ये हम जानते ही हैं और आल्सो ये तो फैराडे साइकिल ला हो गया और इज इक्वल टू हम ये भी जानते हैं माइनस एम डी ए बाय डीटी भाई फाइव की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो फाइव इक्वल टू यहाँ से क्या होता है एम आई होता है ना फाइव इक्वल टू ये तो फैराडे साइकिल ला और ये हमने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में बताया था अलग अलग दो फॉर्मूले में लिख दिए क्योंकि ई एम एफ नहीं दे रखा ये दोनों दो बराबर है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे आपके तो इसको सीधे ही हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट ले लो से इसको इसको सेकंड ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और दोनों कंपेयर कर दो इधर से आपके डी फाइव बाय डी टी जो है किसके इक्वल आएगा ये आएगा एम डी ए बाय डी टी के बराबर आएगा और डी टी से डी टी आपको कट ही जाएगा यहाँ पे तो डी फाइव जो होगा ना आपका ये आपका आएगा एम इंटू डी आई म्यूचुअल इंडक्शन आपको दिया हुआ है कॉइल का 1.5 0.5 है अपन में 10 मैंने इसका कर दिया
और डीएल कितना है 20 दिया हुआ है, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब 30 मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ये आपका इसका आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसका उत्तर देता हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इसमें दिए क्या रखे हैं, एक अनसर्टेन क्वेश्चन मैं कर देता हूं। ठीक है, यही कर देता हूं क्वेश्चन। फिर हम कल इसका सेकंड पार्ट शुरू कर देंगे, बाकी रीजन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी करवाएंगे। अभी हम रीजन करेंगे ना, उस टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और भी हम इसमें करवाएंगे। इसके अंदर आपको दिया हुआ है, ये कर लेते हैं दोनों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, स्केयर लोग ऑफसाइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.70 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन 0.7 seconds. Determine the magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF and current during this time interval. अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, स्केयर लूप है और साइड 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, लेंथ है इसकी, मतलब स्केयर लूप है, एल हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, स्केयर लूप है एरिया बराबर रहेगा तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। एंड रेजिस्टेंस आपका आएगा
0.70 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर, इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टर 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज फ्रॉम जीरो, बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया आपका जीरो, तो बिल्कुल कितना हो गया आपका जीरो, 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड इतना टाइम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, अब इसके अंदर हम निकाल रहे हैं ई इक्वल टू, आप जानते हो डी फाइव बाय डी टी होता है, डी इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू क्या होगा डी फाइव बाय डी टी। हम इससे जानते हैं डी फाइव बाय डी टी होता है, होगा ना, और फाई क्या होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए का मतलब बी टू माइनस बी वन इंटू, मैंने इसको ए कह दिया, क्या कह दिया बी टू माइनस बी वन। चाहे इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये नहीं कर रहे ऐसे करना चाहिए आप, पर डी फाइव मतलब क्या चेंज ऑफ फ्लक्स, फाइव टू माइनस फाइव वन बाय डी टी। फाइव टू तो आपको दिया हुआ है, फाइव टू तो क्या है आपका जीरो कह रहे हैं, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है, सीधी सी बात है फ्लक्स भी आपका क्या होगा जीरो होगा। तो फाई वन आपको निकालना पड़ेगा, फाई इक्वल टू क्या होगा बी डॉट ए, सीधा ही जो है, और एंगल जो होगा ना आपका एंगल जो यहां पे जो है इनिशियली जो है आपका स्केयर रूट ईस्ट वेस्ट के अंदर है, और उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो एंगल जो बनेगा उस केस में थीटा आपको 45 डिग्री होगा। तो इस केस में आप इसको सॉल्व करोगे तो बी वन जो आएगा ना आपका बी वन इज इक्वल टू सॉरी फ्लक्स इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, बी वन आएगा यहाँ पे आपका। तो बी वन तो आपको दिया हुआ कितना 0.10, एरिया आपका 100 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में बदल दिया, और कोस ऑफ 45, कोस 45 होते 1/√2, 100 × 4 और 1/√2 ये आपका होगा। अब इसे पुट कर दो इज इक्वल टू जीरो गए तो माइनस ऑफ फाइव वन आपको दे रखे 0.10 हंड्रेड इंटू 10^-4 और ये 1.414 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, और डिटी आपको दिया हुआ है, डिटी दिया था ना आपको, डिटी दे रखा 0.7। तो इसको आप सोल्व करोगे ना, सोल्व करोगे तो इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा ई आपका जो आएगा 10^-3 वोल्ट आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 10^-3। ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें एक और भी निकालनी है एंड करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू आप जानते ही हो E/R हो जाएगा, EMF में वोल्ट ही होता है, E/R V/R एक ही बात है। E तो आपको दे रखा है, E तो दे रखा है 10^-3 और रेजिस्टेंस आपको इस केस में कितना दे रखा था 0.70,
इसको सोल्व करोगे ना तो करंट जो है इसको सोल्व करोगे तो करंट इस केस में आपका आएगा 1.4 इंटू 10^-3 एम्पियर। ये आपका करंट होगा, करंट E बाई आर, और EMF आपका ये होता ही है। मैग्नेटिक को डिक्रीज टू जीरो कह रहे हैं तो फ्लक्स आपका होगा फाइव टू जीरो जाएगा। फाइव वन निकालना पड़ेगा, फाइव इज इक्वल टू बी कोस थीटा, इनिशियली ईस्ट वेस्ट के अंदर है और बाद में आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों में डायरेक्शन जो होगी तो वो आपका एंगल बनेगा 45 का। इसको सोल्व करने के बाद आपका ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के, बाकी इसको हम कल करते हैं। थैंक्स।